आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट 2019 के जो भी क्वेश्चन हमारे पास में लीनियर एलजेब्रा के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, दैट मींस वहां पर मैंने पार्ट वन में एग्रीकल्चर और एरोस्पेस और हमारे पास में आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किया था। ठीक है, मैं फिर उसके बाद वहां से अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमारा कंप्यूटर साइंस के बारे में क्वेश्चन आया था उसके बाद तो फिर हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हम बारी बारी से करके हर एक पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे से क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के पूछे गए थे डिफरेंट ब्रांचेस में, हम उन लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और प्लीज शेयर करें हमारे चैनल को। ये हमारे पास में आपको जस्ट वीडियो के नीचे में लाइक, अनलाइक और हमारे पास में शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए अपीयर हुआ था गेट 2019 के पेपर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास में 4x4 का, ठीक है, 4 रोज और 4 कॉलम वाला हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, हमसे पूछा गया द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ आर इज, दैट मींस हमसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा गया, वो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलिए तो प्रोसीड कैसे करने वाले हैं आप ये समझिए कि हमारे पास में आपको ये पता है कि हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, प्रॉपर्टी मैंने जस्ट डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो में, मैंने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास में आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी है। पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सम। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग इससे रिलेट करेंगे, हमको ये पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स साथ में रिलेट करेंगे, लेकिन इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा थोड़े रो ऑपरेशन लगाकर। ठीक है, चलिए तो जनरली मैं रो ऑपरेशन प्रेफर करता हूँ, दैट इज एक्लियन फॉर्म को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर है 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 27, 1, 4, 16 and 64, 1, 5, 25, 1, 25. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जस्ट पहले बार रो का जो पहला एलिमेंट हमारे पास में है उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 बनाने वाले, जो कि हम लोग एक्लियन फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है हमें कि उसके नीचे वाले एलिमेंट को, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है, उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग वही कर लेते हैं, चलिए मैं एक साथ ही बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार करने से अच्छा है कि आप एक ही बार ऑपरेशन लगा लें। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए रो 2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1 में, और रो 3 को चेंज कर रहे हैं हम लोग रो 3 माइनस रो 1 से, रो 4 को चेंज कर दे रहे हम लोग रो 4 माइनस रो 1 में। तो क्या हमारा ये वाला सारा 0 हो गया इस रो ऑपरेशन को अगर हमने यूज कर दिया तो। ठीक है, अब बाकी के जो एलिमेंट है उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, 3 माइनस 2 विच इज 1, 9 माइनस 4 विच इज 5, 27 माइनस 8 विच इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 19। ठीक है, 19 और 8 27। ठीक है, नॉट सता, 4 में से चला गया 2 तो बच गया हमारे पास में 2, 16 में से 4 जाएगा तो 12, 64 में से हमारे पास में 8 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 56,
ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। पांच में से चला गया दो, तो बच गया हमारे पास में तीन। 25 में से गया चार, 25 में से गया चार तो बचेगा 21। 125 में से अगर हमारे पास से जाएगा आठ तो बचेगा 117। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने वाले हैं, अब हमें दिख रहा है कि ये वाला एलिमेंट वन है, तो इसका यूज करके हम लोग इसको और इसको दोनों क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं जीरो जीरो। चलिए, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए 1 2 4 8 0 0 0 1 0 0। ठीक है, एक्चुअली हम यही तो करते हैं हम लोग ना, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को वन बनाते हैं, उसके बाद उसके नीचे के हर एक एलिमेंट को जीरो, फिर उसका डायगनल एलिमेंट को वन बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 5 और 19 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब ऑपरेशन क्या लगा रहे, देखिए रो 3 गोज टू हमारे पास में हो जाएगा रो 3 माइनस 2 इंटू रो 2। देखिए अगर हम ये ऑपरेशन लगा दें तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया। ठीक है, फिर रो 4 की अगर मैं बात करूं तो रो 4 माइनस 3 इंटू रो 2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में कैसे हम लिखते हैं, तो हमारे पास में बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 12 माइनस 10 विच इज हमारे पास में 12 में से अगर 10 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, 56 में से अगर हमारे पास में 38 चला जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 18, सॉरी 18 हमारे पास में, हाँ सही 18 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास में 18। ठीक है, 21 में से अगर हमारे पास 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 117 में से 19 57 दैट मीन्स 60 बचेगा हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस का। ठीक है, तो वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप। 1 2 4 8 0 1 5 19 0 0। अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास 2 और 18 है, यहाँ पे 6 और कितना है 60। अगर मैं इस वाले पार्ट से 2 को कॉमन निकालूं और इस वाले पार्ट से 6 को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 एक कम 2 2 नम 18। ठीक है, 6 कम 6 6 दस 60, तो हमारे पास बाहर क्या आएगा, 2 इंटू 6 विच इज 12। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर करना पड़ेगा सारा काम, तो हमारे पास में यहां पर 12 है, यहां पर है 1 2 4 8 0 1 5 19 0 1 सॉरी 0 0 1 9 0 0 1 10। अब हम क्या कर दें, अगर रो 4 गोज टू रो 4 माइनस रो 3 अगर हम कर दे तो क्या आएगा, दैट मींस चेंजेस क्या आएंगे हमारे पास में, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब स्पेस तो बचा नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगा लेंगे रो 4 माइनस रो 3 तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या आएगा, 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास में बचेगा ये। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, अब देखेंगे कि हमारे पास में हर एक एलिमेंट क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ पर देखिए अपर ट्रायंगुलर हमारे पास में मैट्रिक्स बन रहा है जिसका हर एक डायगनल एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा भी मेरा लेक्चर से अगर आपने देखा है प्रीवियस वाला, जो कि हमारे पास में 18 17 16 14 15 का मैंने जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर मैंने, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार बोला कि इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में जो डायगनल एलिमेंट होता है, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट, वही उसका क्या होता है, आइगन वैल्यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होने वाले हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, हमें प्रोडक्ट बोला गया ना, इसलिए हम 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 12 उसके मल्टीप्लाइड में हमारे पास में है तो 12 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 12 होगा हमारे पास में, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते थे, हमने यहां पर रिलेट कर लिया इस वाले पार्ट को। ठीक है,
हमने यहाँ पर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट यूज कर लिया, एक्लियन फॉर्म को भी यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो काफी सारे कंसेप्ट को मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया ये वाला, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2019 के ईसी के पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पेपर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा ऐसा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया गया, अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले ये वाला प्रॉपर्टी बोला है, दैट मींस इन केस ऑफ अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या होती है। इन केस ऑफ अपर ट्राइंगुलर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट बनाकर अलग से लिख लीजिएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में अगर होता है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है हमारे पास में, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। That means, जो हमारे पास में यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, कलर चेंज करता हूं, ये वाला जो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट दिख रहा है मैं, ये क्या है, उसकी आइगन वैल्यूज है, दैट इज आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 2, 1, 3, 2, ठीक है। हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, दैट मींस हमसे बोला गया कि कितनी ऐसी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, दैट मींस हमारे पास में अलग अलग आइगन वैल्यूज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास में आइगन वैल्यू 2 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास में जो दूसरी आइगन वैल्यू है वो है 1 और तीसरी आइगन वैल्यू है 3, तो हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 2, 1, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये हमारे पास में अलग अलग आइगन वैल्यूज है। तो हमारे पास में बोला गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, दैट इज व्हिच इज इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2019 इलेक्ट्रिकल के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पेपर था। देखते इस क्वेश्चन को, एम इज अ 2x2 मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यूज 4 एंड 9। तो हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या बोली गई हमारे पास में, क्या है, 4 एंड 9 है, ठीक है। किसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में, किस मैट्रिक्स की, एम की, सॉरी। तो हमसे पूछा गया द आइगन वैल्यूज ऑफ एम स्क्वायर विल बी व्हाट। तो अगर हमारे पास में हम एम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि हमारे पास में, मैंने अपनी लेक्चर्स में काफी बार डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन लैम्डा स्क्वायर विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, सिमिलरली लैम्डा टू द पावर एन विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर एन। दैट मींस हम जितना पावर अपने मैट्रिक्स पे चढ़ा रहे हैं उतना ही पावर हमारे पास में हमें किस पे देना होगा, हमारे आइगन वैल्यूज पे देना होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास में 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक था ही नहीं हमारे पास में, बस इतना सिंपल सा हमें करना था, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, तो आप आसान से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस टाइप का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंसी होती है हमारे पास में, कि आप कितना ज्यादा अपने कंसेप्ट से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक होने वाला है कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस से आने वाला है, ये आपको कोई दे नहीं सकता है, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस से आने वाला है, ठीक है। ये मैं कितना भी डिलीवर कर दूं या फिर मैं कितने भी सारे क्वेश्चंस करवा दूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट अलग होता है और जो प्रैक्टिस वाला सिस्टम होता है वो अलग होता है, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप सेल्फ से जब भी प्रैक्टिस करें, आप वीडियो देखें और जो हमारे पास में क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप एक बार पॉज करें और एक बार खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर शो करता हूँ आप पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को करने का, कि
आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्शन मिलने वाला है कि आपका जो जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। हो सकता है वेरी कर सकता है किसी ने किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे, ठीक है। चलिए आते का बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिकल के पेपर में, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिकल का ही था, ठीक है, सिंगल मार्क का क्वेश्चन। ये भी है हमारे पास में गेट 2019 का पेपर, ठीक है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एम विल बी व्हाट। तो हमसे ये बोला गया कि इस मैट्रिक्स का रैंक आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आसानी से मैट्रिक्स को लिख देते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 1 0, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने पहले ही बोला कि एक्लेम फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें रैंक निकालना होता है। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, रो को चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 1 1, रो 3 में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि पहले रो का पहला एलिमेंट 1 बन गया, चलिए यहां तक तो क्लियर है। उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना होगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इस वाले पार्ट को 0 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, रो ऑपरेशन यूज करेंगे, क्योंकि एक्लियन फॉर्म में हम सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रो ऑपरेशन क्या लगाने वाले, देखिए रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 लगा देंगे, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। रो 2 पे तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए 1 माइनस, यहां से हमारे पास में आएगा 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हमें क्या दे देगा, -1 दे देगा, ठीक है भैया। चलिए यहां तक तो सही है। अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते, देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐड कर दोनों को तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए ये दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, देखिए सॉरी। चलिए तो अगर हम रो 3 और रो 2 का अगर आपस में ऐड कर दें, रो 3 गोज टू क्या कर देते हैं हमारे पास में, रो 2 प्लस रो 3 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारे पास में तो 2 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर रिड्यूस कर ही नहीं सकते, हम 0 बनाने के लिए इस वाले पार्ट को बिना इंटरचेंज किए हुए हम 0 बना ही नहीं सकते फर्दर, दैट मीन्स हमें यहीं तक रुकना पड़ेगा। तो हमारे पास में रैंक कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3, विच इज इक्वल टू रैंक 3, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंक विल बी 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करने वाले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है गेट 2019 इलेक्ट्रिकल का पेपर, 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट 2 मार्क होता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स एम, तो हमारे पास में एम क्या है भैया, 2x2 का एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और जिसके एलिमेंट हमारे पास में v1 और v2 है, और v1 और v2 हमारे पास में क्या है, कॉलम वेक्टर्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिए कॉलम वेक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद बोला गया सपोज M इनवर्स हमारे पास में क्या है, U1 ट्रांसपोज और U2 ट्रांसपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास में U1 और U2 क्या है, रो वेक्टर्स है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। मतलब कि V1 और V2 हमारे पास में कॉलम है और U1 और U2 ट्रांसपोज हमारे पास में क्या है, रो वेक्टर्स है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास में स्टेटमेंट दिया गया U1 ट्रांसपोज इंटू V1 इक्वल टू 1 और U2 ट्रांसपोज इंटू V2 इक्वल टू 1, और स्टेटमेंट 2 लिखा गया U1 ट्रांसपोज इनटू V2 इक्वल टू 0 और U2 ट्रांसपोज इनटू V1 इक्वल टू 0, ठीक है। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो थोड़ा आप देखिए। तो अगर हम लोग टिपिकल मेथड से जाएं, दैट मींस हमारे पास में यहाँ U1 और V1 को, अगर U1 V1 ही रहने देंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। इस कारण से मैं क्वेश्चन को सिंपल एकदम करने के लिए मैं क्या करता हूं,
मैं यहां पर एक जो m वेक्टर हमारे पास में m मैट्रिक्स दिया हुआ है सॉरी, उसको मैं एक पर्टिकुलर कुछ भी मान लेता हूं, ठीक है। चलिए लेट, क्योंकि हमारे पास में यार कोई तो कंडीशन नहीं दी गई है ना कि ये हमारे पास में सिमेट्रिक है नॉन सिमेट्रिक है कुछ भी ऐसा कुछ, तो हम कोई भी यहां पर एलिमेंट मान लेते हैं। ये लीजिए, चलिए मैंने एट रैंडम 1 2 1 1 मान लिया, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास में, 2 × 2 मैट्रिक्स का इनवर्स एकदम आसान, कैसे करते हैं, जो डायगनल एलिमेंट होता है हमारे पास में उसको इंटरचेंज करें आपस में आप, ठीक है कर दिया मैंने। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उनको क्या करें आप, साइन चेंज कर दें उनका, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप आगे लिख देंगे, दैट इज डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की, 2 × 2 − 1 विच इज 1, तो हमने यहां पर 1 तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, ये देखिए m था हमारे पास में v1 और v2, तो v1 और v2 हमारे पास में क्या है, कॉलम वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ये वाला कॉलम वेक्टर जो कि v1 है, और ये हमने बोल दिया कि चलिए v2 है ये वाला, ठीक है। तो v1 और v2 हमने सपोज कर लिया कि ये है, ठीक है। अब बात करूं मैं, अच्छा v1 और v2 थोड़ा सा इनविजिबल दिख रहा है, तो मैं इसको ये वाला पार्ट डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलिए अब तो दिख रहा है, दैट इज v1 v2 दिख, समझ में आ रहा क्या। और हमारे पास में m इनवर्स जो है वो क्या है, वो ये वाला है, ठीक है। तो u1 ट्रांसपोज और u2 ट्रांसपोज, और u1 और u2 हमारे पास में क्या है, रो वेक्टर्स है, दैट मींस ये वाला जो हमारे पास में पार्ट है वो क्या है, u1 है ट्रांसपोज, और ये वाला जो हमारे पास में पार्ट है वो है u2, ठीक है। चलिए अब जो हमारे पास में स्टेटमेंट बोला गया आप उनको देखिए, स्टेटमेंट पहला वाला क्या बोला गया, u1 ट्रांसपोज इनटू v1, u1 ट्रांसपोज इनटू v1 इक्वल टू 1, ठीक है। u1 ट्रांसपोज हमारे पास में क्या है, 2 − 1, ठीक है। और v1 हमारे पास में क्या है, ये वाला जो कि है 1 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा, 2 × 1 2 -1 इंटू -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 − 1 विच इज 1, तो हमारे पास में 1 आना था और 1 आ गया, दैट मींस ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट था उसका पहला एलिमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं दूसरी वाली की, दैट मीन्स हमारे पास में क्या आना है, u2 ट्रांसपोज इनटू v2 इक्वल टू 1 बोला गया। u2 ट्रांसपोज हमारे पास में क्या है, ये वाला देखिए -1 और 1, ठीक है। और v2 हमारे पास में क्या है, 1 और 2। हमने यहां पर सपोज कर लिया है, आप हो सकता है कोई आप दूसरा मेथड से ही बना सकते हो, बट मुझे लग रहा था कि ये मेथड काफी आसान है इसलिए मैं जस्ट इस मेथड से कर रहा हूं। आप कोई और मेथड भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है इससे भी, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चलिए आंसर लेकिन सेम आने वाला, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो आंसर कुछ और आएगा, आप करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए और v2 हमारे पास में आ गया ये, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दे हम तो क्या आएगा, -1 और +2 विच इज इक्वल टू 2 − 1 विच इज 1, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट भी सही है, स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट का दोनों ही सही है, दैट इज पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरा करेक्ट है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरा वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। चलिए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है, u1 ट्रांसपोज इनटू v2, u1 ट्रांसपोज हमारे पास में क्या है, ये है, ठीक है। और v2 हमारे पास में क्या है, 1 2 इक्वल टू हमारे पास में 0 बोला गया, चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 × 1 2 और -1 × 2 2 विच इज इक्वल टू 0, दैट मींस 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 का जो पहला वाला पार्ट है वो तो सही है, अब दूसरा वाला भी चेक कर लें, u2 ट्रांसपोज इनटू v1, u2 ट्रांसपोज हमारे पास में है -1 1 और v1 हमारे पास में है 1 1, इसकी वैल्यू 0 देखिए चेक कर लीजिए, -1 + 1 0, तो 0 = 0, दैट मींस ये वाला भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों ही आपस में सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस हमने एक जो मैट्रिक्स माना था और उसका इनवर्स निकाला हमने, और हमने सपोज कर लिया कि v1 और v2 हमारे पास में, नाम दे दिया हमने जो भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था, रो और कॉलम वेक्टर्स हमने डिफाइन कर दिया, और हमने जस्ट ये जो हमारे स्टेटमेंट दिए थे हमने उसे चेक कर दिया। आप यहाँ पे कुछ और भी रख सकते थे वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास में, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वाला 2 × 2 मैट्रिक्स लिखा है जिसका मैं इनवर्स तुरंत निकाल दिया मैंने, यहाँ पे अगर मैं बड़ी वैल्यू को रखूंगा तो यहाँ पे इनवर्स निकालने में थोड़ा सा परेशानी होगी, इस कारण से मैंने जस्ट जो माना है मैंने m मैट्रिक्स वो हमने एकदम आसान वाला माना है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए,
क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। टाइम ज्यादा क्यों देंगे एग्जाम में किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इसका ऑप्शन, अच्छा ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या होने वाला है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मींस ऑप्शन सी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए बात करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2019 मैकेनिकल का पहला सेट का क्वेश्चन है, सिंगल मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए बात करते हैं इस पे। कंसिडर द मैट्रिक्स, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का मैट्रिक्स है, क्लियरली दिख रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डायगोनल वैल्यूज ऑफ पी विल बी व्हाट, हमसे पूछा गया फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल पार्ट सिमिलर होगा। दैट मींस हमारे पास में कौन सा मैट्रिक्स है, ये गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये जो मैट्रिक्स है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने अभी जस्ट बोला था, 5 मिनट पहले ही बोला था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी हमारे पास में होता है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द आइगन वैल्यूज, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द आइगन वैल्यूज, ठीक है? प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 1 1। हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये तो हमारे पास में रिपीट हो रही है, कौन सी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, 1। तो हमारे पास में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, सिर्फ एक होगा, क्यों, क्योंकि एक जो नंबर ऑफ हमारे पास डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना, अलग अलग तो है नहीं, सिमिलर है, दैट मींस रिपीटेड वाला केस है, ठीक है? तो हमारे पास में एक ही आइगन वैल्यू है जो कि 3 बार रिपीट हो रही है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी हमारे पास में, ऑप्शन बी विच इज 1, ठीक है? एकदम आसान सा क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल के फर्स्ट सेट में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास में है द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? तो हमारे पास में 3 इक्वेशन दी गई है, हमसे पूछा गया हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? इफ ए इक्वल टू व्हाट, हमसे बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास में इन इक्वेशन का, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? चलिए तो सिमिलर कंसेप्ट, एक्लियन फॉर्मूला लगाने वाले हैं, रैंक निकालेंगे और रैंक वाला जो 3 कंडीशन हमारे पास में उसी कंडीशन को यूज करके हम लोग बता देंगे कि ए की वैल्यू क्या है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है हमारे पास में, दैट मींस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स व्हिच इज लेसर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? यही कंडीशन होती है। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा हुआ है हमारे चैनल पे जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 गेट 2008 तक का, आई थिंक मैंने क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा का करके अपलोड कर रखा है, ठीक है? और हर एक लेक्चर में मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने वहां पर, ठीक है? इस कारण से मैं अब वो उस कंसेप्ट को तो मैं डील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जस्ट उसका जो स्टेटमेंट है मैंने वो बोला अभी जस्ट कि हमारे पास में इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन के लिए क्या होना होता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होता है विच इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास में होता है, ठीक है? चलिए अप्लाई करके देखते हैं कैसे होने वाला है। तो कोएफिशिएंट को सबसे पहले लिखने वाले, पहला जो हमारे पास में इक्वेशन है उसका क्या होगा, 1 1 1 1, ठीक है? उसके बाद दूसरा वाला जो हमारे पास इक्वेशन है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, a माइनस a 3 5, ठीक है? तीसरा वाला इक्वेशन 5 माइनस 3 a 6, ठीक है? तो अब क्या करने वाले हैं हम यहां पर, चलिए तो हमने क्या बोला था कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या बनाएंगे, हम फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को 1 बनाते हैं और उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो यहां तो ऑलरेडी 1 है, उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस a इंटू रो 1 अगर हम कर दे तो हमारे पास में काम आसान हो जाएगा। और रो 3 गोज टू अगर हम ये कर दे रो 3 माइनस 5 इंटू आर 1 तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट 0 कर दिया मैंने, यहां पर 1 और माइनस a और माइनस a कितना देगा हमें, माइनस 2a दे देगा, ठीक है?
थ्री माइनस ए आएगा हमारे पास में, ठीक है, फाइव माइनस ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा एलिमेंट को आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि प्लस माइनस थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो जब भी आप ऑपरेशन यहाँ यूज करें तो थोड़ा धीरे करें, क्योंकि गलतियां होने की चांसेस काफी ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस थ्री माइनस फाइव कितना होगा, माइनस एट, ए माइनस फाइव, तो ए माइनस फाइव तो ए माइनस फाइव ही होगा, सिक्स माइनस फाइव विच इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब क्या करें भैया, चलिए यहां तक तो आ गए, अब कुछ और ऑपरेशन लगा सकते हैं देखते। चलिए तो अब हम अगर ये करते हैं, अगर हम ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे ए काफी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम ऑप्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन में हमारे पास में अगर हम चलिए ऑप्शन को अगर हम चलिए सी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू को फोर रख दें, आप माइनस फोर रख के भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ए की वैल्यू को फोर ही रख के चेक कर रहा हूँ कि क्या आता है देखते हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू को फोर रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस एट और थ्री माइनस फोर विच इज माइनस वन, फाइव माइनस फोर विच इज वन, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में एट, तो यहाँ तो माइनस एट ही रहेगा, और फाइव सॉरी फोर माइनस फाइव विच इज माइनस वन, और यहाँ पर वन, ठीक है। चलिए हमने ए की वैल्यू क्या रख दिया, फोर रख दिया। अब यहाँ पर ऑपरेशन और एक लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, हमारे पास में क्या आ रहा है देखिए वन जीरो जीरो, और हमारे पास में अगर हम ये कर दे दोनों को ऐड कर दे, रो थ्री गोज टू, अगर हम ये कर दे रो टू प्लस रो थ्री, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास में जीरो जीरो, सॉरी ऐड नहीं करना होगा हमें, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सॉरी रो थ्री, चलिए कोई भी आप कर दे, रो टू माइनस रो थ्री तो रो थ्री आप कर दीजिए, ठीक है, रो टू माइनस रो थ्री अगर आप कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, ये जीरो और ये वाला भी जीरो। अब आप देखें, मैंने जो बोला था कि हमारे पास में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास में एक दो, ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ हमारे पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ये पूरा वाला जो मैट्रिक्स है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो उसका रैंक क्या होगा एक दो, तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी हमारे पास में आ गया टू, बट विच इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है तीन, तो उससे कम है, तो सिमिलर यही कंडीशन हमारे पास में होती है किसके लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, जो कि हमारे पास में किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ए की वैल्यू फोर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन सी को चूज कर दिया था इस कारण से, बट अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरा ऑप्शन भी निकाल कर वहां से भी चेक कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर ऑपरेशन भी और लगा सकते थे, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैंने जल्दी से कराने के लिए मैंने जस्ट ऑप्शन चेक कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करें, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और आप अगर हमारे हाइट पे भी हमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो, ठीक है, 7488692651, ठीक है, ये हमारा हाइट का डिटेल नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं आप अपने पार्टिकुलर डाउट का, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।